आउ तीन गोलामी रो प्रतिकरु मिलिला आजादी। आजादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है। आपराधिक न्याय व्यवस्था को मिलिला मोदी गारंटी। ब्रिटिश आइन रो हैला भारतीयकरण। अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आए। दंड विधि नुहे एबे न्याय विधि। दंड की जगह न्याय लगा। भारत रे आउ चलिबनी 160 वर्ष पूर्व ब्रिटिश अमल रो फौजदारी आइन। आपराधिक न्याय प्रणाली रे आजिठु होईछि आमूलचूल परिवर्तन। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে ব্যাপক সংস্কার আনিবা পাই আজিঠারু সারা দেশে 1860 রু প্রচলিত আইপিসি বদলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, 1898 রু প্রচলিত সিআরপিসি বদলে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং 1872 রু প্রচলিত ইন্ডিয়ান এভিডেন্স আক্ট বদলে ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম লাগু হয়েছে। নূয় আইন অনুসারে আইপিসি র 511 ধারা বদলে বিএনএস 356 কু খসিছি, যেউথিরে 175 টি রে পরিবর্তন সহ 8 নূয় ধারা জোড়ি হইছি, 22 টি অনাবশ্যক ধারা হটিছি। সেইপরি সিআরপিসি র 484 টি ধারা বদলে বিএনএসএস রে ধারা সংখ্যা 531 কু বৃদ্ধি হইছি, সেথিমধ্যরু 160 টি বদলিছি এবং 9 টি নূয় ধারা জোড়ি হইছি, 9 টি উচ্ছেদ করা যাইছি। কই সারি দফা হে जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही इसको हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई है और कई सारी ऐसी चीजें जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी थी इसको हटाकर नए प्रावधान किए गए हैं। नुआ आइन रे महिला एवं शिशु विरोधी हिंसा विरोध रे कड़ा दंड रो व्यवस्था करा जाय छी। नाबालिका दुष्कर्म कारी को मृत्यु दंड, सही परी मोब लिंचिंग बा भिड़ हिंसा जनित हत्या को बड़ अपराध भाबे विवेचना करा जाय, एथिरे भी दोषी को मृत्युदंड रो प्रावधान रहिछि। पांच एवं ताठु अधिक लोक एकाठी होई जाति समुदाय एवं भाषा भली आधार रे कोनोसी हत्याकांड भियाइले 7 वर्ष जेल रु मृत्युदंड जाय व्यवस्था करा जायछि। महिला को गणदुष्कर्म जनित जेकोनोसी मामला रे 20 वर्ष जाय जेल सह आजीवन कारादंडादेश रो व्यवस्था होईछि। एपरिकि 18 वर्ष रु कम नाबालिका दुष्कर्मकारी को भी मृत्युदंड दियाजिव। देशद्रोह आईन रे व्यापक परिवर्तन सह संख्या भी बदलिछि। देश विभाजन, सशस्त्र विद्रोह, विच्छिन्नतावादी काम, देशर सार्वभौमत्व एवं एकता क्षुण्ण भली अपराध पाई आईन रे स्वतंत्र व्यवस्था रहिछि, जहाँ को सबुठी स्वागत करा जायछि। अत्यंत स्वागत योग्य पदक्षेप हेइछि आईपीसी सीआरपीसी रो जहाँ शॉर्टफॉल थिला बहुत दिन परे जोटा बहुत एक्सपेक्टेड थिला भारत वर्ष दंडविधि आईन रे परिवर्तन हबो बोली ब्रिटिश टाइम रो आईन गुडी को कार्यकारी होतला से कारणरु अनेक गुडी समस्या भी तयारी होतला से समस्या गुडाकर वर्तमान उद्धार हबो पूरा पूरी भाव रे जुडिशियरी सिस्टम एवं लीगल सिस्टम से थ्रू निष्कृति पाइबो आमर लोकंकु न्याय दबारे निश्चित भाव रे एक कथा आगु को सुविधा हबो एवं विलंबित न्याय हबो नाही। हत्याकारी को पाई आईपीसी रो धारा 302 बदल रे एथरो भारतीय न्याय संहिता रो धारा 103/1 आधार रे मामला रुजु हेबो। सेई परी हत्या उद्यम पाई आईपीसी रो धारा 307 परिवर्ते बीएनएस रो धारा 109 लागू हेबो। नुआ फौजदारी आइन रे गुरुत्वपूर्ण व्यवस्था क्रमे एणी कि 90 दिन मध्य रे पुलिस कोनोसी आपराधिक मामला रे चार्जशीट दाखल करबा को बाध्य। जदि कोर्ट चाहिबे एथि पई अधिक 90 दिन देई परिबे। सेहिपरि चार्जशीट दाखल रो 60 दिन मध्य रे चार्ज फ्रेम एवं सुनानी शेष करी सर्वाधिक 30 दिन मध्य रे राय सुनाइबे कोर्ट, अर्थात मामला आरंभ हेबार पूरा प्रक्रिया सर्वाधिक 3 वर्ष भितर सरिबो, फलरे पीड़ितंकु त्वरित न्याय दिया जाई परिबो। एथिपाई राज्य पुलिस मध्य फुल एक्टिभ। मे जानुअरी मास राज्य पर्यंत समुदाय 140 टे ट्रेनिंग करिछु, 6700 आमर जो माने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अछन्ती तांको पे ट्रेनिंग दे सारिछु। आ माने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सहित आमर कोलाबोरेशन हेछि एवं आगामी दिन रे आमर ट्रेनिंग तांको सीनियर ऑफिसर मानकु देबु। आमे 100 टी मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग देइछु एवं आईजी ट्रेनिंग होछन्ती ता नोडल ऑफिसर। ए मास्टर ट्रेनर माने विभिन्न जिल्ला रे से माने तांकर ऑफिसर मानकु ट्रेनिंग दउछन्ती, तेनो ओडिशा पुलिस रो समस्त इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वर्तमान ट्रेनिंग पाई सारिछन्ती। निश्चिंत भाबे जदि एही प्रक्रिया को ठीक क्रममे क्रियानु रूपे पालन करा जाए ताहले न्यायिक प्रक्रिया त्वरित हब एटा निश्चिंत। पुरुणा आईन रो अवधि काली ठारु सरी जाइछि, किंतु जो मकदमा गुडाक विचाराधीन अछि बा तदंत प्रक्रिया भितर अछि से पुरुणा आईन अनुसार चलिबो। आजि ठारु जो अपराध घटिबो सेटा नुआ आईन प्रक्रिया चलिबो, तेणु वर्तमान दुईटि आईन समांतरल भाबरे विचारालय रे चलिबो। 2019 मसिया अगस्त मासरु मोदी सरकार
ବ୍ରିଟିଶ ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି, ଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମତାମତ ବି ଲୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। 2023ରେ ଏହା ସଂସଦରେ ପାରିତ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମୋହରକ୍ରମେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।